साल 2024 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कुछ खास नहीं रहा। बड़े मियां छोटे मियां और मैदान जैसे बिग बजट मूवीज के डिजास्टर होने के बाद से ही मानो बॉक्स ऑफिस पर सूखा आ गया हो। लेकिन ये पांच मूवीज हैं जो साल के एंड तक इंडस्ट्री को राहत दे सकती है। नंबर एक, चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए डार्लिंग बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस हिट दी है। ऐसे में उनकी अपकमिंग चंदू चैंपियन से काफी होप्स हैं। 2022 में भी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसे ही रफ फेज से गुजर रही थी, तब बॉलीवुड के स्टार कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को राहत दी थी। अब एक बार फिर से सभी की होप कार्तिक आर्यन बने हुए हैं क्योंकि चंदू चैंपियन को लेकर काफी हाइप है। और अगर ये फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है तो बाकी मूवीज के लिए भी ये अच्छा साइन होगा। वैसे फिल्म 14 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, तो क्या आप इसे देखने जाएंगे? नंबर 2, स्त्री 2। राजकुमार राव श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री 2 इस वक्त बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी में से एक है। 2018 में आई फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन तो किया था, बट अपनी अलग स्टोरी लाइन के चलते ये ऑडियंस की फेवरेट भी बनी थी। अब स्त्री 2 को लेकर बहुत हाइप है क्योंकि इस बार मूवी में ये पता चलेगा कि आखिर श्रद्धा कपूर कौन है। याद है ना स्त्री का क्लाइमैक्स? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स को राहत देने वाली है। ये मूवी 30 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी, तो इसे थिएटर में देखना ना भूलना क्योंकि स्त्री है, रक्षा तो करेगी ही इस बार। नंबर 3, भूल भुलैया 3। अनदर कार्तिक आर्यन मूवी। इस वक्त कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री के लिए मसीहा की तरह नजर आ रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर सभी को राहत दे सकते हैं। दिवाली के मौके पर भूल भुलैया 3 थिएटर्स में रिलीज होगी और अगर इस बार मूवी में दम हुआ तो ये फिल्म 200 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन भी कर जाएगी। वैसे यार ये तो मानना होगा कि भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 में जमीन आसमान का फर्क था, बट इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये वो फिल्म है जो बॉलीवुड को इस साल रफ पैच से बचा सकती है। नंबर 4, सिंघम अगेन। बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन AKA सिंघम 3 से भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बॉलीवुड को बहुत उम्मीद है। वैसे साल अजय देवगन पर दबंग मूवी का डायलॉग मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही सूट करता है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मार्च के महीने में शैतान के साथ मेकर्स को मालामाल किया था, तो वहीं एक महीने बाद ही अप्रैल के महीने में उन्होंने मैदान से मेकर्स का पैसा डुबाया था। बट ये साल डेफिनेटली अजय देवगन का होने वाला है क्योंकि अभी उनकी 3 और मूवीज आनी है, जिसमें से एक हो गई सिंघम अगेन और दूसरी हो गई रेड 2। रेड 2 को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इस साल फिल्म से अच्छे बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की उम्मीद है और क्या पता ये फिल्म भी दृश्यम 2 की तरह ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए। वैसे इस फिल्म का सामना भी भूल भुलैया 3 से हो सकता है क्योंकि ये भी दिवाली रिलीज के लिए तैयार नजर आ रही है। नंबर 5, वेलकम टू द जंगल। भाई जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो इसकी स्टार कास्ट देखकर समझ आ गया था कि इसका नाम वेलकम टू द जंगल क्यों रखा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होगी तभी इसका नाम जंगल रखा गया है। क्रिसमस के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी और बिग बजट प्लस बिग स्टार कास्ट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट होने की वजह से इस मूवी को लेकर काफी हाइप है। इस फिल्म से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अक्षय कुमार को भी काफी होप है क्योंकि अक्षय कुमार की लास्ट रिलीज बड़े मियां छोटे मियां ने ही पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया था, तो ये जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है कि एक बड़ी हिट देकर इंडस्ट्री का लॉस थोड़ा कम किया जाए। अब भाई इनमें से कौन सी मूवी ऐसी है जो बॉलीवुड को एक रफ पैच से निकाल करके फिर से उसी हरियाली में ला करके खड़ा करेगी? वैसे आप इनमें से कौन सी मूवी थिएटर में देखेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।